इज इम्पॉर्टेंट, ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ के बाद बिजनेस करने लग जाओ या फिर अपनी लाइफ की सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करो और उसके लिए MBA करने जाओ और फिर चाहो कि हमें जॉब मिल जाए एटलीस्ट 50-60,000 की, जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारी फैमिली सिक्योर हो, और बिजनेस ना करो क्योंकि उसमें लाइफ का रिस्क है। हाँ, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कितने चाहते हैं ये हो आज, मतलब आई वांट। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो अभी डिसीजन कैसे लें कि हम बिजनेस करें या जॉब करें? नंबर वन, आपको खुद को देखना है कि आपके अंदर से कितना स्ट्रांगली आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, या फिर औरों को देख करके, किसी को देखा, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, उनका लाइफस्टाइल देखा कि अरे एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, ये है वो है, उनको पैसा है, ये सब कुछ है, उसको देख करके क्या हमारे अंदर से आ रहा है, या खुद हमारे अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं तो आई एम मेड फॉर दिस ओनली, देन रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। अभी अगर कुछ हो गया एक दो साल के अंदर अंदर, नथिंग लाइक इट, बहुत ही बढ़िया है। और कुछ नहीं हुआ तो अभी भी MBA का ऑप्शन तो ओपन है ही, क्योंकि बिजनेस में क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज पॉसिबल, इन जॉब इट इज नॉट पॉसिबल। इन जॉब एवरीथिंग टेक्स टाइम, वहां पे बहुत पेशेंस चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डेली इंक्रीमेंट होगा, इट्स नॉट पॉसिबल जी। साल वेट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, बिजनेस में डेली होता है इंक्रीमेंट, डेली ऑलमोस्ट, अगर बिजनेस क्लिक कर गया तो। हमारे पोटेंशियल पे होता है सर वो। हाँ, आपके पोटेंशियल पे भी होता है, आपके आइडिया पे होता है, जो आगे क्लाइंट्स है उनके एक्सेप्टेंस पे होता है। आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच करके कुछ किया, लोगों ने कहा क्या बकवास है, खेल खत्म। तो जब ये दो चीजें जाकर के मिल जाती है ना, यानी अगर देखा जाए तो दो चीजें मैं बोल रहा हूं, लेकिन है एक ही चीज, कि आपकी समझ कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, अगर ये गहराई से हमको समझ आ जाए तो बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकते हो। तो आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि डू यू रियली फील कि आप चीजों को समझ पाते हो। जैसे मेरे सेशंस देखते हो तो कितना डीपली समझ आता है, या फिर कोई सेशन है जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है तब तो मजा आता है, जैसे ही सेशन डीप होता है एकदम लिंक टूट जाता है, आप कहते हो यार ये क्या कचर पचर हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, तो देन बिजनेस इज नॉट फॉर यू। बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स, इट्स नॉट अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर। बहुत लोग बहुत डिजायर की वजह से बिजनेस करते हैं, बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं, बाद में पता लगता है कुछ भी नहीं आया यहां से। तो यानी आप कह सकते हो ये दुनिया के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस है कि भाई कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा जाए। बट इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या हम सिंपल करने का हमारे अंदर पोटेंशियल है? जैसे सिलिकॉन वैली में क्या बोलते हैं कि अगर जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसको अगर आप एक पेज के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट मीन इट इज अ गुड आइडिया। अगर आपको बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ रही है अपने आइडिया को समझाने के लिए, 50 पेजेस 100 पेजेस लगा करके आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो फिर उसको समझा रहे हो, देन बिजनेस आपके लिए नहीं है जी, देन इट इज नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया, क्योंकि आपको बहुत कन्विंस करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इसमें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, जो भी बिजनेस होता है मतलब दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल कि ये मार्केट नीड है, इस नीड को हम इस तरीके से पूरा करने वाले हैं, खत्म, उसमें और क्या चाहिए। इट इज लेस ऑफ अ साइंस एंड मोर ऑफ एन आर्ट। आर्ट क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या आप सिंपल कर सकते हो, ये आर्ट है आपके अंदर। एक काम को करने के कितने तरीके होते हैं, क्या एक ही तरीका होता है या बहुत सारे? ये बिजनेस माइंड है। जॉब में ऐसा माइंड होगा तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों में मैं कोशिश करूंगा जितना क्लियरली आप लोगों को फर्क बता सकूं। एक होती है लीनियर थिंकिंग कि सीधा सीधा चल रहे हैं। जॉब में क्या होता है, ऊपर से जो ऑर्डर आया है उतना ही करना है, अगर उससे ज्यादा आपने दिमाग लगाया तो सबसे पहले आपको बाहर किया जाएगा उस कंपनी से, होता है नहीं होता है? तो अब आपका माइंड अगर ऐसे ऐसे चलता है देन बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कि आपने पहले ही अपने माइंड में बिठा लिया कि बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, ये मेरा बिजनेस प्लान है, इसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, अब लोन आएगा, ये होगा वो होगा, तो बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। वो 20 लाख रुपए देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी डूब जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही लीनियर थिंकिंग है। बिजनेस में कैसी थिंकिंग चाहिए कि ये मुझे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए 20 लाख रुपए। तो बिजनेस में कैसा दिमाग चलता है कि अगर ये काम करना ही है तो उसके लिए फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है, क्या ऐसी फैक्ट्री है या नहीं है? हाँ, ऐसी फैक्ट्रीज है, तो क्या मैं उनसे टाई अप करके अपने ब्रांड से इसको नहीं निकाल सकता हूँ? उसमें कितना पैसा लगेगा, 10-20 हज़ार रुपये, स्टीकर लगाना है उसके ऊपर, और एक प्रोडक्ट है वो रेडीमेड आती है, बॉटल मिलती है मार्केट से, उसमें वो प्रोडक्ट उसको दिया, उसने भरा, वो लगाया, 10 हज़ार रुपये में काम शुरू। समझे, मतलब एक काम को करने के हजारों लाखों रास्ते हैं। अगर ऐसे आपका दिमाग चलता है देन डेफिनेटली बिजनेस आपके लिए है। नहीं तो क्या होगा, आप एक काम को शुरू भी कर दोगे
फिर जैसी प्रॉब्लम आएंगी वहां पर स्टक हो जाएगा आपका माइंड। बिजनेस में क्या चाहिए होता है कि आपने काम किया, यू नेवर गिव अप, ऐसा एक एटीट्यूड होता है, बट नॉट इन अ वे जैसा हम नेवर गिव अप को समझते हैं। हम नेवर गिव अप का मतलब क्या समझते हैं, बस लगे रहो, एक काम नहीं हो रहा है उसको लगे रहो, कि यहाँ पे हमें कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, कील अंदर नहीं जा रही है, लगे रहो, बी परसिस्टेंट। अरे आप 1000 साल तक लगे रहो तब भी वो अंदर नहीं जाएंगे। बिजनेस माइंड किसे कहेंगे, कि आपने हल्का सा पोजीशन चेंज करके देखी, हो सकता है जहां पे अभी आप कील ठोक रहे थे वहां पे पीछे बीम है लोहे का, जिसकी वजह से वो कील अंदर नहीं जा रही, कील टेढ़ी हो रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है। बिजनेस माइंड क्या कहेंगे, चल कील को हल्का सा साइड करके देखता किया, एक सेकंड में अंदर, लोग लगे हुए हैं 100-100 साल से ठोकने के लिए कील, उनकी कील हिल भी नहीं रही है, कील टेढ़ी हो रही है। समझ गए कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, आपके लिए खेल है, आपके लिए इतना सिंपल है। तो अगर आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल कर सकते हो लाइफ में, देन बिजनेस आपके लिए है। अगर आपका दिमाग चारों तरफ से खुला पड़ा है, देन बिजनेस आपके लिए है। जितना अपने आप को, एक और मजेदार बात निकल के आ रही है, जितना आप अपने आप को औरों की जगह पे रख करके देख पाते हो लाइफ में, उतना बिजनेस आपके लिए है। बिजनेस में अपने आप को दूसरे की जगह पे रख करके सोचना होता है कि जिसकी वजह से बिजनेस चलेगा, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, अपने आप को भूल जाना होता है, मुझे क्या चाहिए उसको छोड़ देना होता है, मैं क्या हूं उसको छोड़ देना होता है, अपने आप को पूरी तरह से वो बन करके जिसके लिए आप वो काम कर रहे हो, फिर सोचना होता है कि अब मैं ये कर रहा हूं तो इसके क्या प्लस है क्या माइनस है। और अगर इसको एक डीपर लेवल पे अगर आपको बताऊं, आप सामने वाले के दर्द को अगर आप फील कर सकते हो, सामने वाले के इमोशंस को आप फील कर सकते हो, कुछ लोग है ना वो फील नहीं कर सकते, मतलब किसी को बोल रहे होते हैं, जैसे ग्रुप में आप खड़े हो 4-5 दोस्तों के साथ में, मैं बड़ा बारीकी से आपको बता रहा हूं, मतलब अगर इसको आप एब्जॉर्ब करोगे बड़ा मजा आएगा। 4-5 दोस्तों के साथ में आप नोट करोगे, कोई बंदा होता है वो उन 4 में से किसी एक का मजाक उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, उसको बुरा लग रहा है लेकिन इसको पता ही नहीं लग रहा कि उसको बुरा लग रहा है, जब तक कि वो 2 कान के नीचे उसके ना लगा दे। समझ गए, तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप सेंसिटिव हो, यानी कि जैसे ही ऐसा कुछ हो रहा है तो शुरू में तो आप हंसे सबके साथ में, जैसे ही आपको नजर आया कि उस बंदे को बुरा लग रहा है तो या तो आपने उसको रोका या आपको भी बुरा लगना शुरू हो गया, कह रहे नहीं यार ये ज्यादा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो बिजनेस आपके लिए है। आ रही है बात पकड़ में, यानी कि आप बहुत सेल्फिश नहीं हो, बिजनेस में सेल्फिश लोग नहीं चलते हैं, हाँ घपले में चलते हैं, तो घपले की बात नहीं हो रही है यहां पे, बात हो रही है एक सही रास्ते से, ईमानदारी से, सही तरीके से एक बिजनेस करने की, फ्रॉड करने की नहीं। तो समझ गए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइंड, इट्स ऑल्सो अबाउट हार्ट। दोनों अगर आपके पूरी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपका दिल भी आपका दिमाग भी, तो बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं।